साल 2021 में हमें कई सारे सीरियल देखने को मिले हैं, जिनमें न सिर्फ नायिकाओं ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि सीरियल्स में खलनायिका का किरदार निभाकर भी कई अभिनेत्रियों ने अपने जालसाजी भरे अंदाज से दर्शकों का अपना दीवाना बनाया है और उनकी पहली पसंद बन गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2021 में नजर आए इन सभी खलनायिकाओं में से किसने अपने नेगेटिव किरदार से दर्शकों का दिल जीता है और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस बनी है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साल 2021 की टॉप 6 नेगेटिव किरदार निभाने वाली अभिनेत्री से रूबरू कराकर उस अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो दर्शकों का दिल जीतने में सबसे आगे रही है। अगर आप भी उस अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 6, तानिया शर्मा। ससुराल सिमर का 2 में नजर आ रही अभिनेत्री तानिया शर्मा को दर्शक रीमा नारायण के नेगेटिव किरदार में काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें दर्शकों को इनका चालबाज अंदाज काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तभी तो ये धीरे धीरे दर्शकों की फेवरेट बनती जा रही है। नंबर 5, ऐश्वर्या शर्मा। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा को पाखी के किरदार में दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इनकी एक्टिंग को भी काफी सराह रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को सीरियल में इनका जेलिसी भरा अंदाज साथ ही विराट और सई के बीच में आग लगाने वाली अदा बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए तो ये काफी कम समय में इतना नाम कमा चुकी है। नंबर 4, रूही चतुर्वेदी। कुंडली भाग्य सीरियल में शर्लिन का किरदार निभाते हुए नजर आ रही अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी नेगेटिव किरदार से जगह बनाती जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि दर्शकों को इनकी लोमड़ी जैसी चालाकी और इनकी षड्यंत्रकारी डेंजरस प्लानिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। एक खलनायिका होने के बावजूद भी दर्शकों के पसंदीदा बनती जा रही है। नंबर 3, लीना जुमानी। कुमकुम भाग्य सीरियल में तनु का किरदार निभाते हुए नजर आई अभिनेत्री लीना जुमानी ने इस सीरियल में नेगेटिव किरदार निभाते हुए दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था और दर्शकों को भी इनका स्टूपिडिटी भरा वाला खतरनाक खलनायिका वाला कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिसने दर्शकों के जहन पर गहरी छाप छोड़ी थी। नंबर 2, ईशा मालविया। कलर्स के उदारिया सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्री ईशा मालविया को दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को इनका जुनूनियत भरा नेगेटिव किरदार इतना ज्यादा बेमिसाल लग रहा है कि दर्शक इनकी अदायगी के दीवाने होते जा रहे हैं, तभी तो इन्होंने इतने कम समय में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। नंबर 1, मदालसा शर्मा। अब इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उस अभिनेत्री का, जिसने साल 2021 में दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है और उनकी सबसे फेवरेट अभिनेत्री बन गई है, यानी कि अभिनेत्री मदालसा शर्मा, जो कि स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में काव्या का नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आ रही है, जिनका ये पैशनेट किरदार दर्शकों को बेहद लुभा रहा है। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।